नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुछु लक्ष्मी नारायण आसपा संपूर्ण खबर को जम्मू बसस्टाण्रे ग्रेनेड माड़ हो ग्रेनेड माड़े 18 अधिक लोक आहत होते घटनास्थल में पुलिस संधानी कुकुर सहित तनाघना जारी रखी आहतों स्थानीय डाक्तरखाना भर्ती कर आक्रमण पछे कहार हाथ रही से नहीं किसी जनापड़ना मिलता सूचना अनुसार यात्रीवाही बस को टार्गेट कर ग्रेनेड आक्रमण होता हेले सफल हो ना और बसस्टाण्रे माड़ होता मैंने यहाँ पे बाइक लगाई अपनी बस स्टैंड उसके बाद मैंने कटिंग करवाने जाना था कटिंग में जूस लिया और कटिंग करवाने जा रहा था जैसे ही दुकान पे पहुंचा वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मतलब कि ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा या कोई धमाका हुआ है उसके दो मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा मैं आया यहाँ पे देखा मैंने 10-12 लोग बुरी मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए तकरीबन यहाँ से कोई 10 मिनट पहले की बात है यहाँ पे काफ़ी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे एक उसकी वजह से काफी सारे लोगों को इंजरीज हुए हैं अभी सारे रेफर किए गए हैं वो बख्शी नगर हॉस्पिटल में देयर हैज बीन अ ग्रेनेड एक्सप्लोजन ओवर हियर इट सीम्स दैट द ग्रेनेड हैज बीन लॉब्ड फ्रॉम आउटसाइड इट पॉसिबली हैड rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons they have all been shifted to the GMC and they have been taken care of जोड़ा प्रतिक्रिया शुणुले कई कौ समय ग्रेनेड माड़ होती कह जम्मू बसस्टाण्रे ग्रेनेड माड़ हो ग्रेनेड माड़े 18 रु अधिक लोक आहत होती एक बड़धरण विपत्ति टी जाइ कह कुकुर तनाघना जारी रखी पुलिस आहतों स्थानीय डाक्तखाना भर्ती कर आक्रमण पछे कहार हाथ रही से नहीं किसी जनापड़ना एवं पुलिस तदंत जारी रखी तो मिली खबर अनुसार यात्रीवाही बस को टार्गेट कर ग्रेनेड माड़ होता हेले यहा सफल हो ना और बसस्टाण्रे माड़ होता 18 जन एथे आहत होती अशांत रही जम्मू और काश्मीर आज जहाँ खबर आसी पहुंची जम्मू बसस्टाण्रे ग्रेनेड माड़ होड़े 18 अधिक लोक आहत होती परवर्ती खबर को आसवा केन्द्र कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक मोदी सरकार शेष कैबिनेट बैठक नहीं सांबादिक सम्मेलन करिछंती केंद्रमंत्री अरुण जेटली रविशंकर प्रसाद जो आज भी हैं इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स और प्री मच्योर रिटायरीज इन चारों कैटेगरीज में जो एक्स सर्विसमैन हैं और उनके स्पाउसेस ये जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है इसकी सुविधा अब उनको भी प्राप्त होगी उनमें से जो भी चाहे अपना कंट्रीब्यूशन देके इसमें शामिल हो सकता है इन तीन कैटेगरीज में अब कितने आते हैं अंदाजा है कि लगभग 45,000 परिवार कवर होते हैं और जिसमें जो एक सर्विसमैन प्लस उनके स्पाउसेस इस स्कीम के अंदर कवर होंगे एक इसमें वॉर विडोज भी आती हैं वॉर विडोज के केस में एक एक्सेप्शन है कि उनसे कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता ये जो शुगर सेक्स मिल्स के लिए पिछली बार हमने इंटरेस्ट सबवेंशन की एक स्कीम बतलाई थी उनकी अभी जो स्ट्रेस है कुछ आउटस्टैंडिंग्स के तो सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि उस सेक्टर में शुगर सेक्टर में मिल्स की इनकम ऑगमेंट हो तो उसके लिए एक एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज्ड कैपेसिटी की सुविधा उनको दी थी उसको ऑगमेंट करने की दृष्टि से आज सरकार ने एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट उसके लिए प्रोवाइड की है
ये एडिशनल फंड्स दो कैटेगरीज में होंगे, इसका डिटेल नोट आपको विभाग से आ जाएगा. इट विल बी रुपीज 2790 करोड़ एंड 565 करोड़, तो कुल मिलाकर 3300 करोड़ के करीब होगा. रिवाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड एयर स्ट्रिप्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. देश भर में राज्य सरकारों के पास बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स हैं जहां पर केवल एयर स्ट्रिप है, एयरपोर्ट्स नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट्स में. उसके अलावा कई सिविल ऑन क्लेव्स हैं, सीपीएसयूज के पास हैं, हेलीपैड्स हैं और वाटर बेस्ड एरोड्रोम्स हैं. इसको रिवाइव करना और एक्सपैंड करना, इनमें से कुछ की कोशिश थी कि बिडिंग रूप से इनको दिया जाए और ये प्रोसेस 2018 के दिसंबर तक समाप्त होगा. एक टोटल कॉस्ट इसमें सरकार को 4500 करोड़ 4500 करोड़ की आएगी और इसकी जो डेट है वो मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है. और इसमें से कुछ ऐसे हैं, नागार्जुना सागर, उरमंगसो रिजर्वॉयर, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर फ्रंट, शत्रुंजय डैम, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, जो ऑलरेडी अवार्ड हो गए हैं क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है. एक पावर सेक्टर के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय थे और एक निर्णय था कि जो स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्ट्रेस को कम करने की दृष्टि से और उसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने के लिए, और विशेष रूप से इनमें कई प्लांट्स ऐसे थे जिनके पास पीपीएस नहीं है और इसलिए कोल उपलब्धि के उनको चैलेंजेस होते थे, तो एक पॉलिसी इस पे बननी थी जिसके लिए एक जीओएम बना था और उस जीओएम की रिकमेंडेशंस आज कैबिनेट के सामने आई थी और उस जीओएम की रिकमेंडेशंस को आज अप्रूव कर दिया गया है. ये जो डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जा रहा, बहुत सारे आइटम्स हैं और आपको कंसर्न मिनिस्ट्रीज से इसके नोट्स आ जाएंगे. एनएचपीसी की, ये जम्मू कश्मीर के संबंध में है, जो चेनाब वैली प्रोजेक्ट है उसमें एनएचपीसी की इन्वेस्टमेंट और अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट,